नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने अपने यहां आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के दुरुपयोग पर अपनी चिंताओं से ब्रिटेन को अवगत कराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत की सुधार गति से देश में निवेश और सहयोग के भरपूर अवसरों का सृजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, समाज का पूर्ण विकास केवल तभी संभव है जब वो बाहरी और आंतरिक खतरों से मुक्त और सुरक्षित हो। फरवरी 2023 में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.6% बढ़ा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 7,800 से अधिक नए मामले दर्ज हुए और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। भारत ने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के दुरुपयोग पर अपनी चिंताओं से ब्रिटेन को अवगत कराया है। भारत ने खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों की निगरानी बढ़ाने और उन पर सक्रिय कार्रवाई करने का भी ब्रिटेन से अनुरोध किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत ब्रिटेन गृह विभाग की बातचीत के दौरान ब्रिटेन को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध को लेकर भारत की चिंताओं से भी अवगत कराया गया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के गृह विभाग के स्थायी सचिव मैथ्यू राइक्रॉफ्ट ने किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा सहयोग की समीक्षा करने के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों की भी पहचान की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग, साइबर सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, मादक पदार्थों की तस्करी और खालिस्तान समर्थक उग्रवाद सहित ब्रिटेन में भारत विरोधी गतिविधियों से निपटने में सहयोग पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समाज का पूर्ण विकास केवल तभी संभव है जब वो बाहरी और आंतरिक खतरों से मुक्त और सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की आधारशिला पर ही समाज की समृद्धि, कला और संस्कृति का विकास हो सकता है। आज नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाहरी आक्रमण से देश की सुरक्षा रक्षा बलों का दायित्व है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत में सुधार की गति निरंतर जारी है, जिससे देश में निवेश और सहयोग के पर्याप्त अवसरों का सृजन हो रहा है। वाशिंगटन डीसी में एक गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने सुधार एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था बनाना है। भारतीय दशक में निवेश पर इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन फिक्की और अमेरिका भारत कार्यनीतिक भागीदारी फोरम ने बहुपक्षीय एजेंसियों की बैठकों से इतर किया था। वित्त मंत्री वर्तमान में G20 बैठकों के अलावा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेने के लिए इन दिनों अमरीका में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 PM brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week on the 13th of April 2023 brings an exclusive interview with K.V. Runrem Sanghi, Padma Shri awardee from Mizoram. Looking forward to seeing you there. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र देंगे। नई भर्तियां ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षक और नर्स सहित कई पदों पर होंगी। श्री मोदी इस अवसर पर इन कर्मियों को संबोधित भी करेंगे।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स में प्रशिक्षण लेने का भी अवसर मिलेगा। यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेला युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में रोजगार मेले की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के अधीन कई विभागों में विभिन्न पदों पर होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। ये रेलगाड़ी कल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी और जयपुर, अलवर और गुरुग्राम में रुकेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से भारत प्रथम हमेशा प्रथम की भावना मजबूत होती है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। श्री मोदी ने गर्मियों के मौसम में 217 विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने का स्वागत किया है। ये विशेष रेलगाड़ियां देश के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ेंगी। ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से गर्मियों में लोगों को यात्रा में राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नामांकन बढ़ाने के लिए आज 10 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ बैठक की। इन योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का अभियान 1 अप्रैल से शुरू किया गया है और ये 30 जून तक जारी रहेगा। दोनों बीमा योजनाओं का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों को जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना की वजह से मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता होने के मामले में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। पंजाब के भटिंडा छावनी के अंदर गोलीबारी की घटना के सिलसिले में जांच दल ने मैगजीन के साथ एक इंसास राइफल बरामद की है। थलसेना के दक्षिण पश्चिम कमान के अनुसार सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें अब आगे की जानकारी के लिए हथियार का फोरेंसिक विश्लेषण करेंगी। हथियार में शेष बची गोलियों की संख्या के बारे में जानकारी फोरेंसिक विश्लेषण के बाद ही पता चलेगी। थलसेना ने कहा है कि पंजाब पुलिस के साथ मामले की संयुक्त जांच जारी है और पुलिस को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस मामले में अब तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है। पंजाब में आज तड़के भटिंडा छावनी के अंदर हुई गोलीबारी की घटना में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 7,800 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान कुल 4,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। देश में इस समय 40,000 से अधिक कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के आज 122 नए मामलों का पता चला। इनमें से 52 जम्मू संभाग से और 70 कश्मीर संभाग से थे। इन्हें मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में कोविड के कुल मामलों की संख्या 531 हो गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में तेजी आई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड के खिलाफ भारत की रणनीति दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रभावी थी। आज नई दिल्ली में महामारी पर आपदा प्रतिरोधी कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत की कोविड की सफलता की कहानी को दुनिया भर में संकट प्रबंधन में विशेष रूप से सराहा जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड ने न केवल भारत को सिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, बल्कि युवाओं की जैव प्रौद्योगिकी में रुचि भी पैदा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फरवरी 2023 में देश का औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6% बढ़ा।
फरवरी में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में 5.3%, खनन उत्पादन में 4.6% और बिजली उत्पादन में 8.2% की वृद्धि हुई। फरवरी 2022 में औद्योगिक उत्पादन में 1.2% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 235 अंक बढ़कर 60,393 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़कर 17,812 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे मजबूत होकर ₹82.09 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत समाचार तैयार किए जाने तक $86.15 प्रति बैरल के आसपास थी। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा उद्धरणों की विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100 कड़ी पूरी हो रही है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की 58वीं कड़ी में त्योहारी पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में प्रधानमंत्री के विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का त्योहारी पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश। दुनिया भर में जहां विशेष छुट्टियों के दौरान घूमने का चलन है, वहीं भारत में तीर्थाटन और त्योहारी पर्यटन की परंपरा रही है। एक सैलानी जब कहीं जाता है तो वो सिर्फ घूमता ही नहीं, ना ही कुछ जानता सीखता है, बल्कि वो अर्थव्यवस्था को गति देने का भी भागीदार बनता है। भारत में तीर्थाटन और त्योहारी पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। अपने यहाँ दशहरे से त्योहारी मौसम की शुरुआत मानी जाती है। 27 अक्टूबर 2019 को दशहरे के दिनों में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने त्योहारी सीजन का आनंद उठाने और बढ़ावा देने का संदेश देते हुए जो कहा वो हर वक्त प्रासंगिक है। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 5 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में चेन्नई 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 5वें स्थान पर है, वहीं राजस्थान ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत की अंतिम पंघल महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। पंघल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की अंकिते को 8-1 से पराजित किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत राजनीतिक दलों की मान्यता और पंजीकरण के संबंध में निर्वाचन आयोग के मापदंड पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अपने यहां आतंकवादी गतिविधियों को सहायता और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा ब्रिटेन में राजनीतिक शरण के दुरुपयोग पर अपनी चिंताओं से ब्रिटेन को अवगत कराया। वित्त मंत्री ने कहा भारत की सुधार गति से देश में निवेश और सहयोग के भरपूर अवसरों का सृजन हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा समाज का पूर्ण विकास केवल तभी संभव है जब वो बाहरी और आंतरिक खतरों से मुक्त और सुरक्षित हो। फरवरी 2023 में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.6% बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।